अब हम गर्भ संस्कार को समझने के लिए इसका साइंस समझने की कोशिश करते हैं। गर्भ संस्कार का साइंस समझने के लिए हम विज्ञान द्वारा किया हुआ सबसे बेहतरीन रिसर्च सबसे पहले हाथ में लेते हैं। मॉडर्न साइंस ने पिछले वर्षों में किए हुए कुछ रिसर्च के द्वारा ये प्रूव किया है कि बच्चे का 80% ब्रेन, 80% दिमाग माता के गर्भ में 9 महीनों के दौरान बन जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है तब मोर देन 100 बिलियन न्यूरॉन्स उसके मस्तिष्क में बन चुके होते हैं। यानी कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हर मिनट एवरेज 2.5 लाख न्यूरॉन्स बच्चे के दिमाग में बनते हैं। हर एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स से कनेक्ट होकर सैनेप्स बनाता है। इस कनेक्शन को सैनेप्स कहते हैं और जितने सैनेप्स के कनेक्शन ज्यादा होते हैं उतना बच्चे की प्रतिभा बढ़ती है। हम ऐसा जानते हैं कि दुनिया में सबसे जीनियस इंसान के तौर पर हम अल्बर्ट आइंस्टाइन को जानते हैं। उन्होंने भी अपनी पूरी लाइफ के दौरान मैक्सिमम 3 और 5, कोई लोग 3% कहते हैं, कुछ लोग 5% कहते हैं, हम 5% को पकड़कर चलते हैं। तो दुनिया के सबसे जीनियस इंसान ने केवल 5% ब्रेन यूटिलाइज किया था। अब आप सोचिए, अगर 80% पोर्शन जब माता के हाथ में डेवलप हो रहा है उस समय अगर मैक्सिमम सिनेप्स का कनेक्शन पावरफुल बनाया जाए, उसको इंफॉर्मेशन से कनेक्ट किया जाए, तो कितना पावरफुल काम हो सकता है। क्योंकि ये सिनेप्स जितनी तेजी से बनते हैं उतनी ही तेजी से डेड भी हो जाते हैं अगर उन्हें किसी इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट न किया जाए। तो खास प्रेगनेंसी के दौरान माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि वो जितना हो सके कोशिश कर कर अपने बच्चे को कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव चीजों से एंगेज रखे, कनेक्ट रखें और बच्चे को अच्छे से अच्छी एक्टिविटीज मैसेजेस प्रोवाइड करवाएं। इस बात को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए हम ये समझते हैं कि पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान हर महीने अलग अलग स्तर पर बच्चे का ग्रोथ होता है। पहले महीने में श्रवेंद्रिय बनने की शुरुआत होती है, न्यूरॉन्स 24वें दिन से बनने शुरू होते हैं। सेकेंड मंथ से बच्चे का हार्ट बनना शुरू हो जाता है, हार्ट बीट शुरू हो जाते हैं। इस तरह से अलग अलग मंथ में अलग अलग अवयव बनने शुरू होते हैं। जिस हिसाब से अवयव बनते हैं उस हिसाब से पर्टिकुलर प्रकार की ग्रोथ, पर्टिकुलर प्रकार के पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट बढ़ती और घटती है। इस समय ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा सुनता है, एक्सपीरियंस करता है, इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, हर एक चीज का अनुभव करता है। और ये सब करवाने के लिए जो कनेक्टिव सिस्टम है, जो निमित्त बनता है, वो है माता। माता के द्वारा बच्चा सिर्फ और सिर्फ पोषक तत्व नहीं लेता, ये सारी इंफॉर्मेशन भी गैदर करता है और ये प्रोसेस थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कॉन्स्टेंटली चलती रहती है। इसीलिए माता को विधाता कहा गया है कि माता के कंट्रोल में है इन सब चीजों को प्रॉपरली यूटिलाइज करना। तो ये थी गर्भ संस्कार के विज्ञान की बात।